Welcome back to our channel Yummy Mummy Simple Cooking. Assalamu alaikum. आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश होममेड गुआकामोली, जिसे बनाना बहुत ही आसान है. तो आइए देखें इसके लिए हमें क्या चाहिए. तो इसके लिए हमें चाहिए 3 एवोकाडो, ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होने चाहिए. इसके बाद हमें चाहिए 1/2 स्मॉल ऑनियन, इसको हम चॉप करेंगे. इसके बाद 1 टमेटो चाहिए, उसको भी हम चॉप करेंगे. 1 टेबलस्पून हमें लेमन जूस चाहिए. 2 to 3 टेबलस्पून हमें चाहिए ये सिलेंट्रो, इसको भी हम चॉप करेंगे. स्पाइसेस में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून रेड क्रश चिली, 1/2 टीस्पून ग्राउंड क्यूमन और सॉल्ट टू टेस्ट. तो चलिए आइए इन सबको करते हैं मिक्स और बनाते हैं गुआकामोली. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं एवोकाडो को काट लूँगी. का सीड हम निकाल लेंगे. इसी तरह बाकी भी हम एवोकाडो काट लेते हैं. एवोकाडो जो उनसे हैं वो मैंने पील ऑफ कर ली है. तो इतनी देर में अब हम बाकी चीजें भी तैयार कर लेते हैं. ऑनियन जो चाहिए हमें उसको चॉप कर लेते हैं. ऑनियन मैंने चॉप कर लिया है. ऑनियन को मैं डालूंगी गर्म पानी में ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए. हम काट लेते हैं टमेटो. इसके सीड्स जो उनसे हैं वो हमने निकाल देने हैं. इसे भी अब हम चॉप कर लेंगे. अब कुछ लीव्स जो से हैं वो मैं सिलेंट्रो को यूज कर. अगर आपको नहीं पसंद सिलेंट्रो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डलेगा बीच में तो बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा. इसे मैं रफली चॉप कर लेती हूँ. चलिए अब हम सब चीज़ों को करते हैं मिक्स. एवोकाडो को हम फोक की मदद से इसे हम मैश कर लेंगे. बहुत ज़्यादा फाइनली मैश नहीं करना, अगर चंक्स इसमें आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे, इसलिए बहुत फाइनली नहीं करना इसको हमने मैश. ये देखिए इस तरह से
गया ये। अब हम इसमें डालेंगे टमेटोस, ऑनियन जो हमने वार्म वाटर में रखे थे सोक करके, वो भी अब डाल दें इसमें। लेमन स्क्वीज करेंगे तकरीबन एक टेबलस्पून के करीब है। स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट है, रेड चिली क्रश और ग्राउंड क्यूमन। और फाइनली लास्ट में अब हम डालेंगे सिलेंटर फ्रेश। अब हम सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। ये कितने अच्छे कलर्स आ गए हैं इसके। ज़बरदस्त सी फ्रेश घर में बनाई गई ये गुआकामोली है। ये हो गई है रेडी। इसे मैं फाइनल लुक के साथ आपको मिलती हूँ फिर। हमारी ज़बरदस्त सी फ्रेश होम मेड गुआकामोली। आप इसे चिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे टोस्टेड ब्रेड के ऊपर भी रख के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा उसके साथ भी टेस्टी लगती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए ये आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम आपको फिर एक सिंपल सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।